क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। कितने फोटॉन्स निकले पर सेकेंड? 25 वॉट का सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, पावर गिवन है लैम्प की, एक फोटोन की वेवलेंथ गिवन है, और व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज्यूमिंग 3% एफिशिएंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने ऐसा किया था क्वेश्चन, हम ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज पावर के क्वेश्चन किए थे जिसे फॉर्मूला करवाया था नंबर ऑफ फोटोन्स का। क्या था फॉर्मूला? था बोलो क्या, इसे यूज नहीं किया, पावर अपॉन एनर्जी, पी बाई ई, याद करो, पी फॉर पावर, ई फॉर एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो हमने ऐसा फॉर्मूला देखा था, चलो ये वही यूज करेगा। तो क्योंकि इसमें लैम्डा एक फोटोन का गिवन है, तो यहां से एनर्जी ऑफ ईच फोटोन आ गया एच सी बाई लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी आ गई। कितने वॉट का लैंप निकाल रहा है? 25 वॉट का लैंप। 25 वॉट का लैंप क्या होता है? 25 जूल की एनर्जी एक सेकेंड में निकालता है, तो टोटल एनर्जी यानी कि 25 जूल है। तो ये बताओ कि 25 जूल की एनर्जी कितने फोटोन निकालेगी? टोटल एनर्जी पता है, एक फोटोन की एनर्जी पता है, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। ठीक, तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड आ गया, यहां तक क्लियर है? यहां तक इतने फोटोन निकलेंगे एक सेकेंड में। तो अब वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि इतने, एक तो एक आंसर आ गया। अब वो ये कह रहा है कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट बताओ कि 3% एफिशिएंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आपने इतने फोटोन तो निकाल दिए लाइट के और फोटो सेंसिटिव प्लेट पे गिर दिए, पर ये सारे के सारे इतने इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल रहे, इसको इसके सिर्फ 3% ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पा रहे हैं, क्योंकि 3% ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है इसमें से, उसने बोला। तो 3% का मतलब कि इसका जो भी हमने निकाला, ये क्या निकाला, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए। तो 3% ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड जो हमने यहां पर निकाला, ये पूरे का पूरा, इसका 3% जो भी होगा उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁹, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज, टोटल चार्ज, और हर चीज पर सेकेंड चल रही है, तो टोटल चार्ज पर सेकेंड क्या है, करंट। तो करंट क्या आएगा, 3% ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का 3%, और इसको चार्ज से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है, तो ये यूनिट्स क्या आएंगे, चार्ज पर सेकेंड, और चार्ज पर सेकेंड क्या होता है, करंट। तो आइडिया समझ में आ रहा है 3% को कैसे यूज किया इसमें, ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 2 मिलता जुलता है। ब्लू लैम्प मेनली एमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम, एक फोटोन की वेवलेंथ पता है तो एनर्जी आ जाएगी एच सी बाय लैम्डा। लैम्प इज रेटेड 150 वॉट, तो लैम्प की वॉटेज गिवन है 150 वॉट, एंड 8% ऑफ एनर्जी इज एमिटेड एज अ विजिबल लाइट, तो जो लैम्प है वो 8% विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देता है। और हम यहाँ पर किस में इंटरेस्टेड हैं, फोटोन्स हमारे कौन से होते हैं, विजिबल लाइट के होते हैं। विजिबल लाइट, हाउ मेनी फोटोन्स आर एमिटेड बाई द लैम्प पर सेकेंड। तो पावर जो भी गिवन है 150, इसका 8% निकाल लो, ये इफेक्टिव पावर से विजिबल लाइट निकलेगी, और इसको एनर्जी ऑफ एक फोटोन से डिवाइड कर दो, तो टोटल पावर का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी पर सेकेंड। तो टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड किया पर सेकेंड, तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर, ये वही फॉर्मूला लगा रहा है पी बाई ई वाला, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आएंगे। तो यहाँ पर पी आपको पता है और एनर्जी क्या होती है, एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा पता है, एच पता है और सी पता है, यहाँ से आंसर आ जाएगा फोटोन्स पर सेकेंड। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो फाइंड टर्म वर्क फंक्शन, चलो तो छोड़ो,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल एफ नॉट है, वेल लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f0 इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, तो एमिशन तो होगा. मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज v1 व्हेन फ्रीक्वेंसी 5f0, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज v2, रेशियो निकाल लो v1 v2 की क्या होगी. ठीक, तो एक काम करें, दो इक्वेशंस बनाते हैं. मैक्सिमम एनर्जी होती क्या है, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. फोटोन की एनर्जी कितनी है, h इंटू 2f0, क्योंकि पहले केस में रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2f0, तो h इंटू 2f0. और वर्क फंक्शन क्या है, h इंटू f0, और ये क्या है, हाफ एम वी वन स्क्वायर. इसको माइनस करके ये टर्म आ गई हाफ एम वी वन स्क्वायर. केस नंबर 2 में हाफ एम वी टू स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी 2f की जगह कितनी 5f0, और वर्क फंक्शन तो सेम ही है, रेशियो आ गई. इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो v1 v2 की रेशियो आ जाएगी आंसर. सही है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, आइंस्टाइन की क्वेश्चन कैसे लगेगी इसमें. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत आपको ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में दिखेगा, ये है सब्जेक्टिव पर आपको बहुत तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा. चेक करो, क्वेश्चन है
इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन अ मेटल सर्फेस इज डबल्ड, मैंने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया डबल, विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी डबल, भाई फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो तो डबल होती है, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या वो डबल हो जाएगी, चलो करके देखते हैं। पहला केस फ्रीक्वेंसी न्यू है, काइनेटिक एनर्जी ई वन है, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट है। दूसरा केस फ्रीक्वेंसी टू न्यू है, डबल कर दी, एनर्जी ई टू हो गई, वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं। इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके रेशियो आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ गई ई टू काइनेटिक एनर्जी सेकेंड केस की, ई वन पहले केस की, तो ई टू एग्जैक्टली डबल नहीं है, ई टू डबल से भी ज्यादा है, वर्क फंक्शन ऐड हो गया। तो यानी कि इसमें ऐसा बोलना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव जब आएगा ए ऑप्शन पता है क्या होगा, ए ऑप्शन होगा ई टू इज इक्वल टू क्या टू टाइम्स ई वन, नो। सेकेंड ऑप्शन आएगा ई टू लेस देन टू इन टू ई वन, नो। थर्ड आएगा ई टू ग्रेटर देन टू ई वन, यस। ऐसे ऑप्शन आते हैं आपको, बना तो सीबीएसई से हुआ है लेकिन ऑब्जेक्टिव इनइक्वालिटी मिटेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, पर करना कैसे समझ में आ रहा है कि ई टू ई वन में बहुत क्वेश्चन आते हैं और करने ऐसे ही होते हैं, पहले ई टू ई वन में रिलेशन निकाल लो फिर इनइक्वालिटी से चेक करेंगे ऑप्शन देख के, क्लियर। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखने में बड़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन थ्योरी ऑब्टेन आइंस, ये तो हमने करनी नहीं है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू वन एंड न्यू टू आर मेड टू फॉल इन टर्न ऑन अ फोटो सेंसिटिव सर्फेस, न्यू वन न्यू टू दो फ्रीक्वेंसीज यूज की, स्टॉपिंग पोटेंशियल्स पहले केस में वी वन है जब फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, दूसरे केस में वी टू है जब फ्रीक्वेंसी न्यू टू है। फॉर्मूला निकालो प्लैंक्स कांस्टेंट का और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें क्या करेंगे, दो केस बनेंगे। पहला केस, जब फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस करेंगे तो क्या आएगा ई वी वन, क्लियर है। दूसरे केस में वी टू पोटेंशियल है और न्यू टू एनर्जी है, दो केस बन गए। एक काम करेंगे, देखो दोनों को माइनस कर देंगे, रीजन वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाता है ना, एक वेरिएबल हट जाएगा, तो माइनस किया, क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में प्लैंक्स कांस्टेंट, एच निकाल गया, आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो हो सकता है यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आए, आपको ये केस दे और कहेगा मार्क द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको क्वेश्चन, समझ में आ गया। फिर ऐसे ही कहेगा कि वर्क फंक्शन निकालो या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आप फर्स्ट इक्वेशन लिख लो ई वी वन इज एच न्यू वन माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है एच न्यू नॉट, तो यहां और यहां से न्यू नॉट एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, इसमें क्या यूज हो रहा है h, h को पूरे के पूरे h को नीचे सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व करो आंसर। अब आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है कि न्यू नॉट मार्क करो करेक्ट ऑप्शन v1 v2 के टर्म में आंसर, या तो कर नहीं सकते, सॉल्व ही करना पड़ेगा, पर मेथड समझ में आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे लेकिन बेसिक इक्वेशन वही रहेगी जो है, तरीका देख रहे हो सॉल्व करने का क्या है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करना एक्सरे वाला, ऑनलाइन समझ में आ रहा है, यस सर। क्वेश्चन है, ऐसे बहुत ऑब्जेक्टिव मिलेंगे इसके अंदर, अब देखना। एक्सरे ऑफ वेवलेंथ गिवन फॉल्स ऑन अ मेटालिक सरफेस, क्या निकालना है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ निकालनी है, एमिटेड
फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। बोलो क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी का मतलब एम इन टू वी, निगलेक्ट दी वर्क फंक्शन। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, निगलेक्ट वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को उड़ा दो, जीरो कर दो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एच न्यू इज काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट करेंगे, ईवी नॉट, तो एच न्यू इज ईवी नॉट प्लस वर्क फंक्शन, ईवी नॉट इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये क्लियर है यहां तक? ठीक, ये तो हो गया। अब हमने न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल में हमें एक्सरे का लैम्डा पता है और वर्क फंक्शन क्या लेना है, जीरो। उसने कहा नेगलेक्ट वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन जीरो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तो है ही नहीं, तो एच न्यू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। सही है, तो यहां से एच न्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू, तो एम वी स्क्वायर आ गया और न्यू की जगह एच सी बाय लैम्डा, इसको एम से मल्टीप्लाई, एम से डिवाइड करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर से मोमेंटम आ जाएगा, दोनों तरफ एम एम कर दो तो मोमेंटम आ गया। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एच अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम पुट कर दो, ये रहा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ए बी सी डी में ऐसा ऑप्शन मिलेगा, न्यूमेरिकल नहीं देगा, ए बी सी डी में ऑप्शन दे देगा। समझ में आ रहा है कि क्या करेगा, वो न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशंस कैसे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक्सरे फॉल ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फिर से एक्सरे की सेम बात कर रहे हैं, एज्यूमिंग दैट वर्क फंक्शन कैन बी निगलेक्टेड, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट फिर से जीरो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एंड टोटल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ईवी। तो और डायग्राम भी ड्रॉ करो लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो फोटोन की एनर्जी है ईवी, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन तो लेना नहीं जीरो, तो क्या बनेगा, ईवी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या होती है, पी स्क्वायर बाय टू एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, पी आ गया। लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन पी। आंसर उसने क्या बोला, लैम्डा निकालो इन टर्म्स ऑफ ई, और ग्राफ प्लॉट करना है किसका, लैम्डा का और ईवी का। तो इन ये क्या है, लैम्डा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाइपरबोला। ठीक है यहां तक, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है एक्सरे वाला जो भी हम कर रहे थे, सेम टू सेम इस क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन है असाइनमेंट के वैसे इसके। देखो व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ कैथोड ऑफ अ फोटो सेल, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिकॉर्डेड 6 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 600 नैनोमीटर, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, स्टॉपिंग पोटेंशियल लैम्डा की कहानी है सिर्फ,
तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन है ई वी नॉट, ये देखो काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, एच न्यू इज एच सी बाई लैमडा और काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट, क्योंकि यहाँ पर वी नॉट चल रहा है और लैमडा चल रहा है, तो यहाँ से वी नॉट क्या आएगा, ई को नीचे ले जाएं, तो अब क्या निकालना है, आपको निकालना है इसमें क्वेश्चन में गिवन है चेंज इन पोटेंशियल, ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, दी स्टॉपिंग दी व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर को इंसिडेंट करवाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल रिकॉर्डेड 6 वोल्ट, और जब वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, तो कहीं ना कहीं दो इक्वेशंस बननी चाहिए, एक बनेगी टू सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन, एक बनेगी सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, ये लैम्डा 2 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में लैम्डा 1 हो जाएगा, तो 2 पुट किया ये रहा, 1 पुट किया ये रहा, तो ये क्या आ गया, चेंजिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, चेंज आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का। आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा 1 पता है, लैम्डा 2 पता है, एच पता है, सी पता है, ई पता है, तो चेंज आ गया, और चेंज होता क्या है, जो कि पहले था माइनस अब जो आया, मतलब ऐसे करो चेंज, ये डेल्टा, ये क्या आया, डेल्टा वी आया, डेल्टा वी किसके इक्वल है, ये देखो ये इसके इक्वल, ये रहा डेल्टा वी इसके इक्वल है, डेल्टा वी हमने निकाल लिया, ये हमें गिवन है, हमें ये निकालना है आंसर, बस माइनस करो आंसर, माइनस पता है क्यों करते हैं, वर्क फंक्शन वाली टर्म क्या हो जाती है, कैंसल, इसलिए माइनस करते हैं, सही है। अच्छा चलो छोड़ो, अब दो इक्वेशन बना लेना, एक फर्स्ट इक्वेशन इसको देख के, एक सेकेंड इक्वेशन, दोनों को माइनस कर लेना आंसर आ जाएगा, छोड़ो बात खत्म, ये करने की जरूरत नहीं डेल्टा लेने की, आंसर आ जाएगा।